हेलो एवरीवन, दिस इज योर भाई वंडरसो लकी फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र इंडिया का सेंटर। एडजस्ट कैसे वर्क करता है, तो आप मोबाइल में आपके मेनू में जाइएगा, तो आपको वहाँ पर एडजस्ट ऐप जो ऐप है उसका आइकॉन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। जैसे ऐप खुलेगा जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं, फिर रिमाइंड मी लेटर। ये यहाँ पे देखिए काफ़ी ऑप्शन है, लाइक मेरा बाइक जो रजिस्टर्ड है वो डोमिनार है, एवेंजर है, जिसके बाद में देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ अपडेट्स है, सो एक्सपोर्टेड राइट्स, फ्यूल लॉक्स, लोकेशन शेयर, सेटिंग्स, हेल्थ सजेशन, एड मोर व्हीकल, कस्टम अलर्ट्स। ओके, सो हम लोग अभी इसमें मूव करेंगे। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अभी ये मेरा गाड़ी है जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ इमरजेंसी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट अलर्ट्स है, इमरजेंसी अलर्ट्स, उनको तुरंत में अपडेट जाएगा। सो ये आपकी इमरजेंसी फीचर के लिए आप ये रखिए। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है आपको लाइव, आप कहाँ पे हो, आपके आजू बाजू का एरिया आपको दिख रहा है, सो आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं। सो मेन जो फीचर इसका ये है वो है इमरजेंसी, और अगर आपको आपका लोकेशन लाइव, आप चाहते हैं कि आपकी राइड कोई लाइव ट्रैक करे, तो आप ये यहाँ से क्लिक करिए, शेयर लाइव लोकेशन, शेयर लिंक आएगा, तो इसमें शेयर लिंक पे आप जाइए, ये लिंक है, ये कॉपी करके आप व्हाट्सअप से या आपको जैसा भी भेजना आप भेज सकते हैं, और वो अपना क्रोम ब्राउजर पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में ये ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे राइड्स दिखते हैं, डेली राइड्स आपने कैसे किए, डे वाइज दिखता है, तो हम लोग कल का देखते हैं 20 मई का। सो यहाँ पे देखिए हमने अपडेट किया, तो अराउंड आप फर्स्ट टॉप में आप देख सकते हैं स्पीड जो मेरी मैक्सिमम तो 60.4 थी, टाइम जो था मुझे 9:53 AM का मेरा अपडेट दिखा रहा है। उसके बाद रनिंग टाइम फॉर दिस डे जो था मैंने राइड किया 15 मिनट 51 सेकंड्स, एक 7.8 का एक ये है 19 मिनट 14 सेकंड्स। उसके बाद में ये एवरेज स्पीड थी मेरी 24.5। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन से टाइम पे आपका स्पीड कितना था, ये देखिए, देखिए 9 जब मैंने शुरू किया तो इस तरह से था, फिर धीरे धीरे देखिए आप जो किलोमीटर है वो कम होते जा रहे हैं, स्पीड में भी फ्लक्चुएशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं एंड में देखिए एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी। और आप ये चीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा इस पर क्लिक करिए, एक्सपोर्ट होके आएगा, देखते हैं कैसे एक्सपोर्ट। ये देखिए आप गैलरी एल्बम में जाएंगे तो आपको एड्रेस राइड वीडियोस करके आएगा, वहां पे क्लिक करिए। फीचर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा फीचर जो है इसी में आप देखिए, तो इसमें काफी अपडेट है, अराउंड 30 to 60 days तक आप सेव कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपने कैसा प्रोडक्ट लिया है, ऑप्टिमाइजर लिया है या मैक्सिमाइजर लिया है। सो ये देखिए काफी मेरे जितना भी मैंने राइड्स किया है इस दिनों में ये है। इसके बाद में आप स्टैट देख सकते हैं, ये देखिए आज अगर कल के डेट का देखता हूँ मैं टुडे, तो 10.6 किलोमीटर का मैंने राइड किया है, उसमें राइड ड्यूरेशन मेरा 19 मिनट्स का रहा, एवरेज स्पीड 30.8 किलोमीटर की रही है, फ्यूल स्पेंडिंग मैंने अपडेट नहीं किया है, मैं जब लॉन्ग राइड्स पर तभी मैं अपडेट करता हूँ। उसके बाद में मैक्सिमम लीन एंगल मेरा 23.9 डिग्री का था। अब इसको हम टुडे के जगह हम लोग 20 मंथ देखते हैं, तो ये पूरे मंथ में आप देख सकते हैं कि 185.2 किलोमीटर मैंने राइड किया, टोटल राइड ड्यूरेशन मेरा 7 hours 12 minutes का है, एवरेज 25 सेकंड, क्योंकि मैं सिटी रेडी कर रहा हूँ बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है अभी। अगर आप मेरा दिस ईयर का देखते हैं तो देखिए 2145 किलोमीटर हुआ। अगर हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कस्टम डेट्स में, तो लाइक जैसे अगर यहाँ पे मैं एक मैंने मार्च में 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक मैंने काफी राइड्स की थी,
क्योंकि तब लॉकडाउन नहीं था, तो देखते हैं उसी में आपको काफी डिफरेंस देखने मिलेगा। देखिए अप्लाई 1708 किलोमीटर की मैंने कुछ राइड की, जिसमें राइड ड्यूरेशन 46 था, 43 मिनट था, एवरेज भी 36 था। ये देख सकते हैं आप, 4 मार्च को मेरा इतना था, 5 मार्च को इतना किलोमीटर, 6 मार्च को ज्यादा 179 किलोमीटर, 7 मार्च को 222 किलोमीटर, 8 मार्च को 184, 247, 344। आप देख सकते हैं कि मेरा राइड का स्टार्ट देख सकते हैं आप कितना कितना राइड किया। ड्यूरेशन देखिए कि कितने आवर्स मैंने राइड कंटिन्यूसली की, 7 मार्च को मैंने 5 घंटा किए, 9 मार्च को 7 घंटा किए, 10 मार्च को 6 घंटा किए, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपकी इमरजेंसी जो फंक्शन देखिए, अगर इंजन ऑन होता है तो भी देखिए आप ऐसे देख सकते हैं। 21 मई को मेरा गाड़ी का इंजन कितना मतलब कितने टाइम पे मैंने ऑन किया, कैसे हुआ ये इस तरह से, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल जाके आया, तो ये अपडेट्स है आज के डेट के, ये कल के डेट के अपडेट्स है। उसके बाद हम देख सकते हैं इंजन ऑफ जब हम करते हैं गाड़ी चालू करने, उसके भी अपडेट्स आते हैं। उसका वाइब्रेशन सेंस, अगर हमारी गाड़ी को कोई हिलाता डुलाता है, लात वात मार देता है या कोई धक्का लगता है, तो भी हमारी गाड़ी अगर हिलती डुलती है तो हमको अपडेट्स आते हैं। देखिए 8 बजे मुझे अपडेट आया, क्योंकि तब मेरी गाड़ी मैंने ऑफ करके इधर उधर हिला रहा था पार्किंग से निकालते, वो एक चीज थी। मोशन सेंस, अगर आपकी गाड़ी बंद करके भी कोई अगर आपको मूव कर रहा है तो ये अपडेट आपको आता है। व्हीकल अनरीचेबल, अगर आपका गाड़ी कभी अनरीचेबल जोन में चले जाता है तो आपको अपडेट आएगा कितने टाइम की गाड़ी नॉन नेटवर्क जोन में थी। और अगर सबसे मेन चीज ये कि फॉल, तो अगर आपकी गाड़ी बिना इग्निशन ऑफ है और आपकी गाड़ी गिर जाती है, तो देखिए तो मेरी गाड़ी 26 मार्च 2020 को रात को 12 बजे गिरी थी, क्योंकि तब बहुत बारिश हुई और पार्किंग में मट्टी थी, तो उससे गाड़ी जो साइड स्टैंड धस गया अंदर, तो गाड़ी गिर गई। तो ये सबका अपडेट है। इस तरीके से आप काफी अपडेट्स इसकी यूज कर सकते हैं। मैं मेजर मेरे लिए इसका मेन फंक्शन यही है कि मैं अपने राइड्स ट्रैक कर सकता हूँ, इमरजेंसी फंक्शन है सेकंड, बाकी स्टैट्स मेरे पास पूरा अपडेट है, तो मैं हर चीज चेक कर सकता हूँ कि मेरी मैक्सिमम स्पीड कितनी थी और मैं कितने स्पीड से राइड कर रहा हूँ, ये सब चीजें देख कर सकता हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए और प्लीज आपका प्यार मेरे साथ बांटिए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। प्लीज सपोर्ट, प्लीज शेयर योर लव विद मी। Thank you. This is your bhai Warning Solaki from the center of India, Nagpur, RNCT.